अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत सॉरी क्योंकि मैं अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई बिकॉज़ मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी, बट अब मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं बहुत मज़े की एक रेसिपी लेकर आई हूँ, अचारी सैलड, और बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इसको अपनी डाइट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ना स्पेशल इसको समझें और डाइट में इसको आप इसको यूज़ करें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं भी इस सैलड को जो है वो बहुत खाती हूँ, और मतलब एवरी डे तो नहीं खाती लेकिन मैं इसको खाती ज़रूर हूँ। और ये सैलड बहुत मज़े का है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर जो छोटी छोटी ये जो जूलियन बारीक बारीक कटी हुई वेजिटेबल्स ली हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो ली हैं वो आपको मेंशन करती जाऊँगी साथ साथ। एक बाउल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पर लंबाई में कटी हुई जो है मूली ली है। आप कोई भी कुछ भी ले सकते हैं, आप रेड वाली मूली भी ले सकते हैं। और यहाँ पर हमने एक बारीक कटा हुआ खीरा लिया है, लंबाई में कटी हुई हैं सारी वेजिटेबल्स। और एक हमने गाजर लिया है, यहाँ पर प्याज लिया हमने, हाफ प्याज था। आप अपनी मर्ज़ी से इसकी वेजिटेबल्स जितना आप डालना चाहते हैं आप अपनी क्वांटिटी से डाल सकते हैं। और 1 टेबल स्पून हमने इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है, हरी मिर्चें ली हैं यहाँ पर हमने, क्योंकि इससे जो है वो थोड़ा सा टेस्ट जो है वो स्पाइसी हो जाएगा। और इसके बाद हमने मैंगो पिकल ऐड किया इसमें, आपने 1 टेबल स्पून लेना है। और इसको मैंगो पिकल को आपने मैश कर लेना स्पून से। और इसमें हम 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे, और बिल्कुल पिंच आपने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करना है। और अगर आप चाहें तो इसमें काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, और 1 लेमन जूस जो है वो हमने इसमें डाल देना है, और इसको मिक्स कर लेना है। तो बहुत मज़े का हमारा जो है वो सैलड रेडी हो जाएगा। तो आपने जो है रेसिपी आपने देख ही लिया कितनी आसान है, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, कितना कोई परफेक्ट बना है माशाल्लाह से। और ये सैलड आप अपने बारबेक्यू, बिरयानी, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको इवन कि आप अपनी डाइट में यूज़ करें। तो रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।